हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के शेयर में 10% की तेजी आज हमें देखने को मिली है और पिछले फ्राइडे भी अगर हम देखें तो 10% तक शेयर ये भाग चुका था 2 दिनों में, मतलब 2 सेशंस में, चाहे फ्राइडे की बात करें या फिर मंडे की बात करें। 20% की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में खरीदारी का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्राइडेंट 16 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर अपने ऑल टाइम हाईस के ऊपर ही अभी खड़ा है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने पिछले काफी 1 साल से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। चाहे पिछले महीने आप देखिए 24 अप्रैल को जब मैंने वीडियो बनाया था तब 13 रुपए 50 पैसे का ये शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि मौके है खरीदारी के, बेचने की तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी गलती मत करना। इतना ही नहीं, जब 10 रुपए का शेयर था इस साल की शुरुआत में तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, और जब शेयर 7.5 रुपए 8 रुपए के करीब ट्रेड करा था पिछले साल अक्टूबर महीने में तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। अगस्त महीने में जब 6.5 रुपए का शेयर था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जून में भी 6.5 का शेयर था, ये तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 5.5 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर पिछले साल अप्रैल महीने में ट्रेड कर रहा था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और उससे पहले 1 जून को जब शेयर 5 रुपए के आसपास था, उससे नीचे था, तब भी मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। देखिए, ट्राइडेंट एक ऐसा शेयर है जहां पर मुझे खरीदारी करने में कभी भी डर नहीं लगा है, क्योंकि मुझे पता है कि यार भले ही शेयर लंबा वक्त गुजारेगा किसी प्राइस रेंज में, लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब एक बड़ी रफ्तार दिखा देगा। एक महीने में देखिए 18 से 19% का ग्रोथ ये दिखा चुका है। एक महीने में 13 रुपए 88 पैसे का शेयर था, 2 ही दिन में ऐसी तेजी देखने को मिली है भैया कि शेयर उछल गया है, बढ़िया तेजी दिखा दी इसने। 1 साल में अगर देखें तो 1 साल में इसके शेयर में 260% का ग्रोथ है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ट्राइडेंट का जो प्राइस चार्ट है वो आने वाले कई वक्त तक आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए, तेजी आएगी, एक झटके में रैली आएगी, ठीक है, फिर लंबे समय तक शेयर सोता रहेगा, लंबे समय तक, फिर एक झटके में रैली बनेगी, फिर लंबे समय तक ये सोएगा, फिर एक बड़ी रैली आएगी, फिर लंबे समय तक ये सोएगा, और अब वो दोबारा रैली आ चुकी है। देखिए, एक बड़ी रैली इस साल की शुरुआत में आई थी, उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर एकदम ठंडा पड़ा था, ठीक है, लेकिन अब दोबारा तेजी दिखाई है। तो हमेशा इसका इसी तरीके से देखने को मिला है कि हर 3-4 महीने में इसका खून खौलता है और तब तक, और एक बार तेजी दिखाने के बाद फिर कुंभकर्ण की तरह लंबे समय तक ये सोता रहता है। तो ये इसकी टेंडेंसी है, इसी तरीके से शेयर आगे बढ़ रहा है। इवन पिछले 3 साल का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूं तो 3 साल में 165% का ग्रोथ है। कोरोना के बाद इसकी टेंडेंसी एकदम से बदली है, एक झटके में रैली आती है, लंबे समय तक सोता है, झटके में रैली आती है, सोता है, फिर झटके में रैली आती है, फिर आपको इसी तरीके से इसका प्राइस चार्ट देखने को मिल रहा है। अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास ही शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। 10 साल में अगर देखेंगे तो आपको 1,140% का ग्रोथ दिखा चुका है ये शेयर। आप देखिए, इससे पहले भी बहुत बड़ी रैली बनी थी 2017 में, लेकिन बाद में शेयर टूट के बिखर गया, लेकिन अभी जो रैली है वो बहुत ही शानदार है। मिड कैप शेयर है ये, 8,322 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और एनएससी में अगर हम देखा जाए तो भैया 3.5 करोड़ तक के वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है, 1.68% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट ग्रुप सबसे बड़े प्रमोटर है, 45.75% की होल्डिंग ओन करते हैं और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 66 FIIs का पैसा लगा है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में रेनबो इंटीग्रेटेड टेक पार्क है, जिनके पास 2.48% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.75% है। देखिए, शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, 18% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। पिछले साल फरवरी महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे भी किया था। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है होम टेक्सटाइल, येन, पेपर, केमिकल, एनर्जी, इसमें बहुत ही बड़ा नाम है इनका, और कंपनी जिस फैसिलिटीज में काम करती है वो बहुत ही बड़ी फैसिलिटीज, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी फैसिलिटीज में कंपनी काम करती है,
मैन्युफैक्चर की बात करें तो काफी बड़े पैमाने पर करती है। 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। दुनिया में नंबर वन है टेरी टावर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो आप सोच सकते हो कि 16 रुपए का शेयर और इतना बड़ा पोर्टफोलियो है उसका। बाथ कलेक्शन, बेड कलेक्शन, इसमें इनका नाम है भैया, बहुत बड़ा नाम है। होम टेक्सटाइल, यन, पेपर, केमिकल, इन सब में नाम है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। बड़े बड़े होटल्स के साथ इनकी डीलिंग होती है। बड़े बड़े क्लाइंट्स यहाँ पर है और बड़े बड़े अवार्ड्स इनको ऑलरेडी मिले हुए हैं। सर्टिफिकेट्स की बात करें तो इंडिया के साथ साथ इनकी जो पेटेंट है वो US और UK में भी अप्रूव्ड है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए, ट्राइडेंट के लिए। ट्राइडेंट के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। यहाँ से और ऊपर तक शेयर जाने के चांसेस अभी भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग होल्ड करने की बात की, मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 9% लोग ही यहाँ पर बेच कर निकलने की बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए रेवेन्यू की मैं बात करूं तो देखिए रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, 1,300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और कंपनी का जो टारगेट है विजन 2025 का, वो ये है कि भाई साहब 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का लक्ष्य लेके वो लोग चल रहे हैं अभी से। और ऐसा नहीं कि हवा में उन्होंने ये लक्ष्य बनाया है, नहीं, उन्होंने उस तरीके से काम भी कर रहे हैं। पहले इनके 6 शोरूम थे ऑल ओवर इंडिया में और अब 6 नए और शोरूम पिछले साल इन्होंने खोले भी है, मतलब टोटल 12 शोरूम हो चुके हैं अब इनके। 12 शोरूम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी दुकानों पर भी आपको इनके सामान मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन भी इनकी कई सारी बिक्रीज होती है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े होटलों में बल्क में इनके ऑर्डर्स जाते भी हैं। तो ये बहुत ही तगड़ा पोर्टफोलियो है इनका। प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, 71% की होल्डिंग प्रमोटर की 73% तक पहुंच चुकी है। FIIs और म्यूचुअल फंड भी यहां पर अपनी खरीदारी जारी रखे हुए हैं। ट्राइडेंट के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि भैया मुझे ये शेयर कभी भी महंगा नहीं लगा और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार यहाँ पर मेरा पैसा फंस सकता है। FD से ज्यादा रिटर्न इन्होंने दिया है। डिविडेंड की बात करें तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। अकॉर्डिंग टू टिकर टैप अगर हम देखें तो गुड स्टॉक टू कंसिडर, मतलब जो जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वो भी एंट्री लेने के लिए सही प्राइस है, अच्छी प्राइस है, क्योंकि स्टॉक अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ओवरबोर्ड जोन में अभी भी नहीं है। और एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो 100% एनालिस्ट है वो सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। कोई भी एनालिस्ट आपको ऐसा नहीं कह रहा है कि इसको बेच दो, हर कोई कह रहा है कि भाई साहब खरीदारी यहाँ पर आप कर सकते हो, करके चल सकते हो। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करने जाए तो फाइनेंशियल्स में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट जरूर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो इनकम में भी अच्छा सुधार है, अच्छे इनकम्स इनको देखने को मिले हैं, अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर इनको हो रहे हैं, इंक्रीज हुआ है इनका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है। पिछले 5 सालों में जो पहले मार्केट शेयर 2.65% का था, आज वो 3.84% है, मतलब मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है। इंडस्ट्री ग्रोथ की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री नेट इनकम की बात करें, हाँ, तो वो भी अच्छे है। 5 साल में जो आप देखिए ग्रोथ इज ईयरली रेट इज 23.58, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो 12% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि ये 24% के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो भैया ये भी बढ़ा है, इंडस्ट्रीज के कंपेयर में ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चीजें, स्ट्रेंथ वाली चीजें हैं। होल्डिंग्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है, खास करके प्रमोटर्स की होल्डिंग, FIIs की होल्डिंग। हर कोई यहाँ पर खरीदारी करने के मूड में है, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहे हैं और प्रमोटर तो भाई साहब भर भर के यहाँ पर शेयर उठा ही रहे हैं। ओवरऑल ट्राइडेंट के बारे में अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो देखिए अगेन मैं कहूंगा, एक डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहूंगा, इस शेयर की टेंडेंसी रही है, एक झटके में तेजी दिखाएगा, फिर लंबे समय तक सोएगा, फिर तेजी दिखाएगा, फिर लंबे समय तक सोएगा, फिर तेजी दिखाएगा, फिर लंबे समय तक सोएगा, फिर तेजी दिखाएगा, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत तेजी यहाँ से और देखने को मिलेगी, फिर लंबे समय तक ये आपको एक ही प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, तो उसके बाद फिर से तेजी दिखाएगा। तो अगेन यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम आप यहाँ पर 4-5 साल का प्लान लेके चलिए। डरने की कोई यहाँ पर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अच्छे खासे परफॉर्मेंस हुए हैं कंपनी के, कंपनी आप देखें तो प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही बेहतरीन इनके प्रॉफिट्स है। आप देखिए रेवेन्यू तो बढ़े ही है, प्रॉफिट भी, भाई साहब 100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट्स इनके क्वार्टरली,
पिछले 2 क्वार्टर्स में अच्छे प्रॉफिट्स, अब मार्च में कैसे नतीजे आएंगे उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छा है। 15 तारीख को नतीजे आने वाले हैं इनके, और ये नतीजे आने से पहले की तेजी है। 15 तारीख को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, डिविडेंड भी जो होगा वो भी मिलेगा। मतलब अगर अगर आपके पास ट्राइडेंट का शेयर है तो भाई साहब आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है 15 तारीख को, उसके उसके बारे में अनाउंसमेंट भी होने वाली है। तो नजर रखिए शेयर के ऊपर, पोर्टफोलियो में है तो बेचने की तो गलती मत कर लेना, यहाँ पर बने रहिए, यहाँ पर नतीजे का भी इंतजार करिए। अगर अच्छे नतीजे आएंगे तो डेफिनेटली शेयर में तेजी और बढ़ेगी, लेकिन अगर अच्छे नहीं आएंगे तो अगेन डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई साहब तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ट्राइडेंट पसंद आता है, बीच में आपको थोड़ी बहुत उठा पटक देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाकर देगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।